सो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो गाइज यार, टाइम हो रहा है 5:27 शाम के एंड मुझे तो अभी मार्केट जाना है, लेकिन मैं बता दूं आज मैं मॉक टेस्ट लगाने वाला हूं फर्स्ट। तो यहाँ पे जो है ना, सब्जी नहीं है मेरे पास, तो सब्जी लेके आनी है मुझे। एंड थोड़े बर्तन वगैरह गंदे हैं, ये रखे हैं रात के येलो राइस जो कि अभी मैंने बर्तन धोए नहीं हैं। तो एनीवे अभी तो मुझे मार्केट जाना है, तो चलिए मैं चलता हूँ मार्केट। तो ये कुछ इस तरीके की ये पीजी है जैसे कि आप हर व्लॉग में देखते होगे, तो चलते हैं। तो चलिए चांद से पूछ लेता हूँ कि मार्केट जाएगा क्या। एंड यहाँ पे हमारे मोहसिन भाई बैठे हैं, देखिए कितनी गजब की एक्टिंग कर रहे हैं ये। ओ वाओ, तो फाइनली हमारे साथ है चांद। चांद हेलो कर दो। और गाइज आप यहाँ का रोड देख ही सकते हैं, कितना साफ सुथरा रोड है। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ सब्जी वाले भैया के पास। तो चलिए यार, यहाँ से मैंने खरीद लिए हैं लौकी, टमाटर और थोड़ी सी मिर्चें डलवा ली हैं ऐसी फ्री में। तो चलिए चलते हैं। और ये भाई साहब काफ़ी ब्लॉग में आ चुके हैं, तो ये मेरी वीडियो में अपने आप को ढूंढ रहे थे। तो ये पोज दे दो थोड़ा सा, इनको लग रहा है मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। एंड सब्जी खरीदने के बाद वापस चलता हूँ मैं अपने रूम की तरफ, टाइम तो थोड़ा कम बचा है, तो जल्दी जल्दी लेके आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं एंड रूम में एंटर करते हैं। तो सब्जी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड जल्दी जल्दी से मुझे अफ्तारी रेडी करनी होगी। लेकिन अफ्तारी कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं आज, पकौड़े लेकर आया हूँ और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था जो कि थम्सअप और स्टिंग वगैरह से थोड़ी अच्छी होती है पीने में। तो चलिए अफ्तारी मैं लगा लेता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एक मिर्ची भी डलवा ली थी इसमें कि भैया पकौड़े के साथ एक ये डाल देना, एक ये कोल्ड ड्रिंक है। अफ्तारी मैं आज थोड़ा कम ही लेकर आया था क्योंकि आज मैं जो ना सोच रहा हूँ होटल पर खाना खाऊँगा, बहुत दिनों से नहीं खाया है। तो चलिए यार अफ्तारी करता हूँ। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ अब होटल पे एंड यहाँ पे मैं ऑर्डर करने वाला हूँ नहारी। तो ये मैंने यहाँ पे नहारी लगवाई है जो कि काफ़ी दिनों से नहीं खाई थी, तो इसलिए मेरा मन कर रहा था। एंड खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पे चाय पी जो कि मैं मोस्टली पीता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भी अच्छी भी लगती है। एंड चाय पीने के बाद अभी जा रहा हूँ मैं अपने रूम पर, तो रात हो चुकी है, चलते हैं। एंड फाइनली वापस आ चुका हूँ मैं अपने रूम पर एंड चलते हैं अपनी स्टडी टेबल पर एंड देखते हैं कि यार क्या टाइम हो रहा है अभी। तो अप्रॉक्स 10:20 हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका हूं मैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टडी करने के लिए। एंड जैसा कि मैंने गाइस आपको बताया था, आज मैं जो है वो मॉक टेस्ट लगाने वाला हूं फर्स्ट। मैं किस तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, तो वो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यार पहले अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझसे जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनको सॉल्व कर लेता हूं। एंड कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट रहता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कोई भी हो, तो समटाइम मैं दो ऑप्शन में जो ना अटक जाता हूँ, जैसे ए है या सी है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, हल्का सा उस क्वेश्चन पर टिक लगा देता हूँ कि हाँ भाई इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। एंड उसका जो है ना, मैं वो ओएमआर शीट में फिल कर देता हूँ फिर भी कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। दो अगर मुझे दो ऑप्शन में डाउट रहता है, अगर जो मुझे क्वेश्चन का पता ही नहीं होता उसको मैं बिल्कुल गुल्ला कर देता हूँ, उसको छूता ही नहीं हूँ। लेकिन जिसमें थोड़ा सा डाउट रहता है उसमें मैं लगा देता हूँ, लेकिन उसको फिर बाद में सोल्व भी करता हूँ कि हाँ भाई इसका ये था या फिर ये था, जिससे मुझे याद आया था कि हाँ इसका एग्जैक्ट ये था। एंड अब जिस क्वेश्चन को मैं गुल्ला कर देता हूँ, जिनका मुझे बिल्कुल पता नहीं होता है, तो उनको मैं सबसे लास्ट में सोल्व करता हूँ। उनसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लिया, तो उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे सही कितने हैं, गलत कितने हैं, एंड फिर उनको एनालाइज करता हूँ और निगेटिव मार्क देखता हूँ कि यार मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी। ठीक है, अब जो गलत होते हैं, जैसे नॉर्मली कोई गलत हुआ है तो उसको तो मैं उसमें ही उसकी थ्योरी पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल ही गलत होते हैं, जिनका मुझे बिल्कुल पता नहीं होता है, तो उनको मैं अपने नोट्स में देखता हूँ या फिर बुक्स में देखता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, तो फिर उस टॉपिक को मैं रिवाइज कर देता हूँ उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ने के बाद, फिर उसी टॉपिक के मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हो तो पूरा करो, जो सही है उनको तो छोड़ दो, वो तो तुम्हारे सही ही हैं। एंड जो गलत हो रहे हैं तो गलत गलत को ढूंढो बुक्स में कहाँ है, एंड जो क्वेश्चन गलत है जिस टॉपिक से है उस टॉपिक को उसी टाइम रिवाइज कर दो, चाहे मॉक टेस्ट करने में एक दिन लग जाए या फिर दो दिन लग जाए, लेकिन आपका जो है उससे बढ़िया हो जाएगा एकदम। तो कुछ इस तरीके से करता हूँ। एंड आप किस तरीके से करते हो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं देखूँगा, फिर मुझे लगेगा कि हाँ ये इससे ज़्यादा बेस्ट है तो मैं उसको भी ट्राई करके देखूँगा।
और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका सिलेबस पूरा हो गया क्या। तो अभी फ़िलहाल जस्ट सिलेबस पूरा हुआ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, उसमें जो है लेक्चर हुए हैं और अभी रिवीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं, एंड बायोलॉजी में तो मेरा रिवीजन चल रहा है क्योंकि बायोलॉजी जो मैं यूट्यूब से पढ़ता हूं और फिजिक्स केमिस्ट्री यकीन हिंदी मीडियम का बैच है तो वहां से पढ़ता हूं। तो वहां का तो सिलेबस अभी हुआ है पूरा, तो अब से आगे को मैं स्टार्ट करूंगा। एंड उससे पहले मैं देख रहा था यार एक मॉक टेस्ट लगा के देख लेता हूं कितने नंबर आएंगे, एंड उससे पता चल जाएगा कि यार मेरा प्रिपरेशन क्या चल रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा यार मॉक टेस्ट लगाने का, जबकि लगाना भी चाहिए तुम्हें एक बार सिलेबस पूरा हो गया है तो एक बार देखना चाहिए कि अभी कितना आ रहा है एंड रिवाइज़ करने के बाद कितना आएगा। तो खुद से भी देखना चाहिए कि हाँ भाई मतलब एक बार में आपने पढ़ा तो आपका इतना मार्क्स आया था, एंड दोबारा रिवीजन करने के बाद जब आप देख रहे हो तो आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो उससे जो है ना खुद को भी एनालाइज करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा मॉक टेस्ट तो लगा दिया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एंड इसका सॉल्यूशन जो है वो इसी में दे रखा है लास्ट में। अगर जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होंगे, केमिस्ट्री का है तो वो सारी चीज़ें इसमें सॉल्व हैं, एंड उसमें दिया भी है कि इतने का ये है, जैसे आठवें का डी है या इतने का ये है, तो वो सारा इसमें दे रखा है। तो इसका पहले मैं देखूंगा कितने सही हैं कितने गलत हैं, लेकिन उससे पहले मैं बर्तन गंदे हैं उसको धोने के बाद खाना बनाऊंगा, एंड खाना खाने के बाद खाना बनाते बनाते इसको जो है टिक लगा दूंगा सही गलत का। सो फाइनली दोस्तों यार बर्तन धोने के बाद मैंने रख दिया है खाना बनने के लिए, एंड अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ अपना जो मॉक टेस्ट है उस पर लगा लेता हूँ टिक यार के इसका ये सही है इसका ये गलत है, एंड देन इसके बाद करेंगे इसका सॉल्यूशन। फाइनली दोस्तों मॉक टेस्ट मैंने चेक कर लिया है कितने सही है कितने गलत है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सही पे मैंने सही टिक कर दिया है, एंड जो गलत है उस पर गुल्ला कर दिया है, एंड उसके बाद इसमें लगा दिया है कि हाँ इसका ए नहीं था बी था। एंड इसके बाद अभी मैं बुक में उसका देखूंगा सॉल्यूशन जो भी मेरे गलत हैं, एंड MTG में देखूंगा कुछ कि यार इसका ये गलत है, तो फिर जो टॉपिक होगा उसको रिवाइज कर दूंगा। इसका सॉल्यूशन मैं कल करूंगा एंड पूरा एनालाइज करूंगा पूरा दिन इसका कि कौन से टॉपिक से कौन सा गलत हुआ है, एंड ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इससे आगे का ब्लॉग आपको कल को देखने के लिए मिलेगा। एंड अभी के लिए गुड नाइट एवरीवन।